गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 6th and 7th February के करंट अफेयर्स। तो आज की न्यूज़ थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि दो दिन का करंट अफेयर्स होता है तो थोड़ी ज़्यादा न्यूज़ हो जाती है। पर फिर भी मैंने कुछ न्यूज़ को जो है वो अलग करके उसको 8 February मतलब अगले दिन उनको इंक्लूड कर देंगे, जिससे सेशन आपका ज़्यादा लेंदी ना हो पाए। क्योंकि आज हमको बात करनी है कि यूनेस्को सर्टिफिकेट किसे मिलने वाला है, और कई सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी न्यूज़ में हैं। हमें कैग के बारे में चर्चा करनी है और सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम सिस्टम के बारे में डिस्कशन करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली 5 जजेस को अपॉइंट करने का काम किया है। तो हमें देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की स्ट्रेंथ क्या हो गई है। अच्छा, सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है। आप वीडियो को रोकिएगा और तुरंत आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट है वो किस प्लैनेट के हैं, सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं। चिकन, जैसे हमारी अर्थ का एकमात्र सैटेलाइट है विच इज़ मून, आपको बताना है ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं। तो फटाक से आप आंसर कीजिए, सही आंसर भी आपको वीडियो के दौरान मिल जाएगा। ओके, अगर आज की क्लास का PDF आपको चाहिए तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, और टेलीग्राम से आपको करेंट अफेयर्स का PDF मिल जाएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। और अगर सेशन पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक के बारे में। तो 5th February से लेके 11th February तक, 5 February से 11 February तक इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक सेलिब्रेट किया जाता है, और जिसकी थीम है यहाँ पे गो फॉर द गोल्स। गो फॉर द गोल्स यहाँ पर इसकी थीम है, ठीक है। हमारे परचम का जो स्टोर है parchamstore.in, वहाँ पर आपको ईयर बुक की हार्ड कॉपी अगर आप लेना चाहते हैं तो बुकिंग कर सकते हैं 10th February तक, 10 February तक बुकिंग ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो आप ईयर बुक की अगर हार्ड कॉपी चाहते हैं तो प्री ऑर्डर बुक कर सकते हैं यहाँ पर, और शिपिंग जो है वो 15th February से स्टार्ट हो जाएगी। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पर्सन जो किसी भी कारण से न्यूज़ में है, लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ग्रेमी अवार्ड्स के बारे में। ग्रेमी अवार्ड्स, ठीक है, 1959 में पहली बार ग्रेमी अवार्ड को दिया गया था। इंडियन म्यूजिक कंपोजर रिकी केज वॉन 3rd ग्रेमी अवार्ड। एकमात्र इंडियन पर्सन जिन्होंने 3 ग्रेमी अवार्ड जीते हैं वो कौन है, रिकी केज है। तो रिकी केज का नाम आपको याद रखना है। अभी जो 65th edition हुआ है ग्रेमी अवार्ड का लॉस एंजलिस में, उसमें भी इन्होंने ग्रेमी अवार्ड जीता है, और ये इनका 3rd number का ग्रेमी अवार्ड है, ठीक है। तो रिकी केज का नाम आपको याद रखना है। चलिए पूरी कहानी को हम समझते हैं। इंडियन म्यूजिक कंपोजर रिकी केज विंस 3rd ग्रेमी फॉर द डिवाइन टाइट्स। डिवाइन टाइट्स के लिए इन्होंने तीसरी बार ग्रेमी अवार्ड्स को जीता है। ये रिसेंटली 65th number का एनुअल ग्रेमी अवार्ड की सेरेमनी लॉस एंजलिस में हुई थी, जिसमें रिकी केज ने डिवाइन टाइट्स के लिए 3rd number का ग्रेमी अवार्ड जीता है। इसके पहले इन्होंने, रिकी केज ने इसके पहले 2015 में ग्रेमी अवार्ड जीता था, और 2022 के जो 64th number के ग्रेमी अवार्ड्स थे उसमें उन्होंने बेस्ट न्यू एज एल्बम की कैटेगरी में भी ग्रेमी अवार्ड जीता था। तो एकमात्र इंडियन है रिकी केज जिन्होंने 3 ग्रेमी अवार्ड जीते हैं, ठीक है। और इन्होंने इस अवार्ड को शेयर किया है स्टुअर्ट कॉपलैंड के साथ, क्योंकि इस इनका एल्बम तैयार करने में इनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन था, ठीक है। तो स्टुअर्ट कॉपलैंड के साथ रिकी केज ने अपने ग्रेमी अवार्ड को शेयर करने का काम किया है। अब यहाँ पे कई सारे अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, सॉन्ग ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर, रिकॉर्डिंग ऑफ द ईयर एट्सेट्रा। तो आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट मिल जाएगी, तो आप इस पूरी लिस्ट को पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ। तो जब भी फ्री आप टाइम मिले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इम्पॉर्टेंट जो आपको लगता है यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, लीजो, डैम टाइम बाय लीजो। एल्बम ऑफ द ईयर हैरीज हाउस को दिया गया है, और सॉन्ग ऑफ द ईयर जो टाइटल दिया गया है वो जस्ट लाइक दैट को दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आपको सिंगर आर्टिस्ट दिख रही हैं, इनका नाम है बियॉन्से। बिकम द मोस्ट ग्रेमी विनिंग सेलिब्रिटी, इनके पास टोटल 32 ग्रेमी अवार्ड्स हो गए हैं इनके पूरे करियर के। तो ये मोस्ट विनिंग फीमेल है जिन्होंने सबसे अधिक मात्रा में ग्रेमी अवार्ड्स को जीता है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। आप सभी को पता है 5th number का एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम का टाइगर स्टेट में चल रहा है। टाइगर स्टेट, या फिर आप इसे सोया स्टेट भी बोल सकते हैं, कौन सा है, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश द टाइगर स्टेट जो है वो होस्ट कर रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम। 30 January से 11 February तक ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने हैं,
ठीक है ना, 13 डेज चलना है, 27 गेम्स खेले जाने हैं, 8 अलग अलग सिटीज़ में खेले जाने हैं, और 6,000 से ज़्यादा यहाँ पे एथलीट जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहाँ पे हमें डिस्कस करना है, यहाँ पर दो नए रिकॉर्ड बने हैं, किस किस फील्ड में वो रिकॉर्ड बने हैं, आइए हम उनको देखते हैं। 2 नेशनल यूथ रिकॉर्ड सेट इन एथलेटिक्स इवेंट एट खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में एथलेटिक्स स्पर्धा में 2 राष्ट्रीय युवा रिकॉर्ड बनाए गए हैं। कहाँ पर? टीटी नगर स्टेडियम भोपाल में, ठीक है, टीटी नगर स्टेडियम भोपाल में। तो पहला जो रिकॉर्ड बनाया है वो दिल्ली की सोनम ने बनाया है 200 मीटर स्टेपल चेज में, और इनकी जो टाइमिंग थी वो 6:45 की थी। दूसरी तरफ है सिद्धार्थ चौधरी जो कि राजस्थान से हैं, इन्होंने शॉर्ट पुट में नया रिकॉर्ड बनाया है 21.04 का। इसके पहले शॉर्ट पुट में जो रिकॉर्ड था वो दीपेंद्र धवस का था, 2017 में इन्होंने बनाया था, जो आपका फेंकने का होता है ना, शॉर्ट पुट जो होता है उसमें इन्होंने 20.99 का रिकॉर्ड बनाया था। अब 21.04 का रिकॉर्ड सिद्धार्थ चौधरी के द्वारा बनाया गया है जो कि राजस्थान के हैं। अब अगर हम केवल और केवल पूरा, मैं यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी तो इवेंट रन होने हैं, 11 फरवरी को फाइनल होगा, उसके बाद मेडल टैली को हम डिस्कस करेंगे। अगर केवल केवल एथलेटिक्स में बात करते हैं तो बॉयज़ और गर्ल्स की कैटेगरी में, बॉयज़ की कैटेगरी में यहाँ पर टॉप ओवरऑल चैम्पियन कौन रहा है, तो मध्य प्रदेश रहा है, और गर्ल्स की कैटेगरी में ओवरऑल चैम्पियन कौन रहा है, महाराष्ट्र रहा है। महाराष्ट्र टॉप कर रहा है मेडल टैली में, अभी तक 79 मेडल हैं इंक्लूडिंग 26 गोल्ड मेडल्स। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति के बारे में, परवेज मुशर्रफ। तो फॉर्मर पाकिस्तान प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ पास्ट अवे, इनका निधन हो गया है। इन्होंने पाकिस्तान में 1999 से लेकर 2008 तक रूल करने का काम किया था, लेकिन इनके ऊपर कई सारे चार्जेस थे। इनके ऊपर जो लाल मस्जिद किलिंग केस था, और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो थी उनके मर्डर चार्जेस में ये भाग गए थे, मतलब पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, और इनके ऊपर कई सारे चार्जेस भी चल रहे थे, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान की 2019 में मुशर्रफ जी को इन्होंने डेथ सेंटेंस मतलब फांसी की सज़ा सुनाई थी इनके केस के अगेंस्ट। ठीक है, अगली पर्सन है प्लेबैक सिंगर वाणी जयराम। इनको लास्ट ईयर जो है वो पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया था, इनका निधन हो गया है। तो साउथ इंडियन प्लेबैक सिंगर रही हैं वाणी जयराम, इनका निधन चेन्नई में हो गया है। लास्ट ईयर इनको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया था, और इन्होंने 10,000 से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं में गानों को रिकॉर्ड किया है, इसलिए इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी 3 बार मिल चुका है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको 2013 में दिया गया था। अब ये जो पर्सन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है अदिति अशोक। तो डायरेक्टली आपने देखा होगा एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि मनिका बत्रा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनिका बत्रा कौन से स्पोर्ट्स से हैं, तो हम सभी को पता है टेबल टेनिस खेलती हैं, वैसे ही अदिति अशोक जो है वो गोल्फ प्लेयर हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली ये कुछ नाम आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो अदिति अशोक का रिलेशन गोल्फ से है। सो इंडियन गोल्फ प्लेयर अदिति अशोक विंस केन्या लेडीज़ ओपन टाइटल 2023। तो ये इनका 4th नंबर का केन्या लेडीज़ ओपन टाइटल है जिसका आयोजन केन्या में किया गया था। लास्ट टूर्नामेंट इन्होंने गोल्फ में 2017 में हासिल किया था। अगले पर्सन जिनका नाम आपको याद रखना है वो है SS साई संजय। साई संजय जो है वो एक कार रेसर है, कार ड्राइवर है। तो साई संजय वॉन इंडिया नेशनल कार रेसिंग चैम्पियनशिप। तो इंडिया नेशनल कार रेसिंग चैम्पियनशिप फॉर्मूला 2000 क्लास में किसने जीता है? साई संजय ने जीता है। इन्होंने पहली बार मोटर स्पोर्ट में अपना डेब्यू जो है 2015 में किया था। नेक्स्ट है सेंटर क्लियर नेम ऑफ 5 जजेस फॉर अपॉइंटमेंट टू सुप्रीम कोर्ट। हम सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए एक कोलेजियम सिस्टम चलता है। उस कोलेजियम में 5 लोग होते हैं जिसमें CJI इंक्लूड होते हैं। CJI और सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को मिला दिया जाए तो आपका कोलेजियम बनता है, और उस कोलेजियम की रिकमेंडेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है। तो रिसेंटली कोलेजियम ने 5 जजेस की अपॉइंटमेंट को अप्रूवल दिया है। 6 फरवरी को इन 5 जजेस की ओथ कराई गई, शपथ दिलाई गई, और शपथ कौन दिलाता है यहाँ पे, किसने दिलाई है? CJI DY चंद्रचूड़ ने इनको शपथ दिलाने का काम किया है,
और अपॉइंटमेंट कौन करता है? द्रौपदी मुर्मू, मतलब जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं, वो जजेस की अपॉइंटमेंट करते हैं, लेकिन ये अपॉइंटमेंट कोलिजियम सिस्टम जो होता है उसकी रिकमेंडेशन के बाद किया जाता है। आज हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जजेस की, वो 33+1 मतलब 34 है। 33 सुप्रीम कोर्ट में जजेस हो सकते हैं और एक आपका CJI होता है, तो टोटल 34 की स्ट्रेंथ है। और 5 जजेस की अपॉइंटमेंट के बाद 32 की स्ट्रेंथ हो गई है, मतलब 31 जजेस हैं और एक आपका CJI यहाँ पर हो गए हैं, ठीक है। अब इनमें से एक नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है जो पूरे साल भर लगभग न्यूज़ में था, वो है पंकज मित्तल। पंकज मित्तल जो कि CJ थे, हैं राजस्थान में, इनको सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट कर दिया गया है, तो पंकज मित्तल, संजय करोल, PV संजय कुमार, अशनुद्दीन अमनउल्ला और मनोज मिश्रा। तो ये आपको 5 जजेस के नाम याद रखने हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा जज है जो सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में अपॉइंट हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपको इन 5 जजेस के नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट है वी रामचंद्रन, अपॉइंटेड बाय द RBI एज मेंबर ऑफ एडवाइजरी कमिटी ऑफ SIFL एंड SCFL। सो SIFL और SCFL में एडवाइजरी कमेटी के मेंबर के रूप में RBI ने वी रामचंद्रन को अपॉइंट किया है। वी रामचंद्रन जनरल मैनेजर थे कैनरा बैंक के, फॉर्मर चीफ जनरल मैनेजर ऑफ कैनरा बैंक रहे हैं। अब ये जो एडवाइजरी कमेटी है SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल ग्रुप, जिसको SIFL बोला जा रहा है, और SREI इक्विपमेंट फाइनेंशियल लिमिटेड, जिसको SCFL बोला जा रहा है, ये लोग क्या करते हैं? बेसिकली MSME सेक्टर और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को ऑडिटिंग करने का काम, उनका देखने का काम, और इनसॉल्वेंसी से रिलेटेड जो भी रिजोल्यूशन होते हैं उसको प्रोसेस करने का काम ये दोनों बॉडी करती हैं। ये दोनों बॉडी जो है वो एडवाइजरी बॉडी है। तो इसी एडवाइजरी बॉडी के कमिटी मेंबर के रूप में RBI ने किसे अपॉइंट किया है? वी रामचंद्रन को अपॉइंट किया है, और इन्होंने फारूक एन सूबेदार को रिप्लेस किया है, उनकी जगह यहाँ पर इन्होंने ली है। रिसेंटली जो अपॉइंटमेंट हुई थी उनकी आपको लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए अगले पर्सन है जोगिंदर शर्मा। जोगिंदर शर्मा का रिलेशन किस स्पोर्ट से है? तो आंसर हो जाएगा क्रिकेटर है, ये क्रिकेट खेलते थे। अब इन्होंने सारे फॉर्म्स, जितने भी फॉर्म होते हैं क्रिकेट के, सभी से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। जोगिंदर शर्मा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा यहाँ पर कर दी है। जोगिंदर शर्मा जो है, इन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स मतलब SCSK के लिए इन्होंने खेला है 2008 से लेकर 2012 तक, और अभी प्रेजेंट में ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं हरियाणा में। इनका जो डेब्यू था, इन्होंने जो पहला इंटरनेशनल मैच खेला था, फर्स्ट इंटरनेशनल मैच खेला था इन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट 2004 में, ठीक है। तो जोगिंदर शर्मा जो है वो क्रिकेट से एसोसिएटेड है, और इन्होंने सारे फॉर्म जितने भी क्रिकेट के होते हैं उससे रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं कैग 6 SCO SAI लीडर मीटिंग टू बी बिगिन इन लखनऊ। यहाँ पे SAI का मतलब स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं है, SAI का मतलब सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट है यहाँ पर। तो 6वें नंबर की SCO संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट लीडर मीटिंग शुरू हो गई है, जिसको होस्ट या आयोजित करने का काम किसने किया है? हमारे कैग ने, कॉम्पटोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा इसे कंडक्ट कराया गया है लखनऊ में, मतलब 6 फरवरी की ये न्यूज़ है। और इस मीटिंग को इनॉग्रेट किसने किया है? उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, उनके द्वारा इस मीटिंग को इनॉग्रेट किया गया। अब यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर मीटिंग की बात कर रही हूँ, इस पर्टिकुलर मीटिंग की जो थीम रखी गई थी वो है इंटीग्रेटिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ऑडिट, इंटीग्रेटेड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन ऑडिट, ये इस पर्टिकुलर मीटिंग की थीम थी। क्योंकि हम सभी को पता है कि इस पूरे साल SCO की जो प्रेसिडेंसी है वो भारत के पास है, और हमने जो पूरे साल के लिए SCO की मीटिंग के लिए जो थीम डिसाइड की है वो है Towards a secure SCO, और इस मीटिंग के लिए इस थीम को डिसाइड किया गया था। यहाँ पर जिन टॉपिक पर डिस्कशन किया गया वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल टेक्नोलॉजी कंसर्न जो है उस पर डिस्कशन किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं कैग के बारे में। अभी हमें पता है हमारे देश के जो कैग हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। कैग को अपॉइंट करने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और इनके पास उतनी ही पावर होती है जितनी सुप्रीम कोर्ट के जज के पास पावर होती है। जो कैग होते हैं, कॉम्पटोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनका जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर या फिर 65 ईयर्स का होता है, जो भी पहले हो जाए या फर्दर ऑर्डर तक अपने पद पर ये काम करते हैं।
कैक के बारे में सारी जानकारी आपको आर्टिकल 148 में मिल जाएगी कि कैक की अपॉइंटमेंट कैसी होती है। लेकिन एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि कैक की पावर, जो कैक के पास शक्तियां हैं वो कहां पर है, तो कैक की पावर आपको आर्टिकल 149 में मेंशन हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कैग के बारे में जानकारी आर्टिकल 148 में, इसका मतलब ये हुआ कि कैग आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसी बॉडी है ये? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका काम ऑडिट एंड मतलब जिसको जिसका हेड क्या होता है, जिसका काम ऑडिटिंग करना होता है अकाउंट डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट बात करेंगे अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर हैं। इनके द्वारा थर्ड खेलो इंडिया विंटर गेम्स का मैस्कट, लोगो, जर्सी, थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया है। तो स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा लॉन्च द मैस्कट, थीम सॉन्ग एंड द जर्सी ऑफ द थर्ड एडिशन खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो तीसरा एडिशन खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कहाँ पर होगा? जम्मू एंड कश्मीर में होगा। पहला एडिशन भी 2020 में जम्मू एंड कश्मीर में खेला गया था। ठीक है, 10 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक आप देखेंगे जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स को खेला जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट काउंसिल, विंटर गेम एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा यह पूरा प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। अब यहाँ पे मैस्कट है शुभांकर, जिसे हम बोलते हैं, वो क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे स्नो लेपर्ड है। ठीक है, हमारे देश का पहला नेशनल पार्क जिसने मैस्कट या शुभांकर जारी किया था, तो वो कौन सा है? कान्हा किसली है। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ पर मिलेगा? मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। और उसका मैस्कट क्या था? भूड सिंह द बारा सिंगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है, इसके लिए मैस्कट क्या है? स्नो लेपर्ड है। नेक्स्ट है, केरला वॉन फर्स्ट नेशनल बीच शॉकर चैम्पियनशिप 2023। तो केरला ने पहला एडिशन जो हुआ था नेशनल बीच शॉकर चैम्पियनशिप का, वो जीत लिया है। कहाँ पर खेली गई थी ये चैम्पियनशिप? डुमास बीच सूरत में खेली गई थी। ठीक है, अब इसमें जो राजस्थान की टीम थी, जिसके थे प्लेयर अमित गोदरा ने सबसे ज़्यादा गोल किए हैं, 27 गोल किए हैं। वहीं यहाँ पर बात करते हैं केरला के गोलकीपर संतोष कश्मीर, इन्हें बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया है। वहीं बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो केरला के सीजू एस हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं, गवर्नमेंट सेटअप टास्क फोर्स टू प्रमोट SSP फर्टिलाइजर। हम सभी को पता है अभी बजट सेशन चल रहा है। ठीक है, लोकसभा की सुनवाई चल रही है, लोकसभा की मीटिंग्स चल रही है, वहाँ पे अलग अलग मिनिस्ट्री के जो लोग होते हैं वो बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं, अलग स्कीम लाते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न रिप्लाई में लोकसभा में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइज़र भगवंत खूबा ने इन्फॉर्म किया है गवर्नमेंट को कि हम एक टास्क फोर्स फॉर्म कर रहे हैं। और ये टास्क फोर्स क्या करेगी? जो सिंगल सुपर फास्फेट फर्टिलाइज़र है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम करेगी। क्वालिटी को इम्प्रूव करने का मतलब है कि आप इसमें कुछ ऐड ऑन करोगे और उसको प्रमोट करोगे, जिससे किसान इस फर्टिलाइज़र का उपयोग खेती में, फार्मिंग में करें। सो टास्क फोर्स अंडर द एगिस ऑफ द फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सिंगल सुपर फास्फेट फर्टिलाइज़र, और उसका ऑल्टरनेटिव जो है वो अमोनिया फॉस्फेट है। ये जो SSP जिसमें इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है, इसमें क्या होगा? 3:1 का रेशियो होगा, 3 आपका यहाँ पे क्या होगा SSP, और एक रेशियो में क्या हो जाएगा, एक अनुपात में यूरिया को मिलाया जाएगा और फिर किसानों को इसके बारे में बताया जाएगा। इसलिए यहाँ पे एक टास्क फोर्स के गठन करने की बात की जा रही है। धरती आबा, भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्मभूमि कहाँ है? अब हम सभी को पता है झारखंड में है। सो अमित शाह लेट फाउंडेशन स्टोन ऑफ द नैनो यूरिया प्लांट इन झारखंड। तो अमित शाह जी जो कि हमारे गृह मंत्रालय को संभालते हैं, इन्होंने नैनो यूरिया प्लांट का फाउंडेशन स्टोन रखा है कहाँ पर? झारखंड में। और ये हमारे भारत का 5वें नंबर का नैनो यूरिया प्लांट होगा। ठीक है, जिसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 450 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। और इफ़को फार्मर फर्टिलाइज़र कॉरपोरेटिव इन देवगढ़ झारखंड, इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कॉरपोरेटिव इन देवगढ़ झारखंड की मदद से बेसिकली यहाँ पे ये पूरा काम किया जाएगा। ये 5वें नंबर का हमारे देश का यूरिया, नैनो यूरिया प्लांट है। इसके पहले 2022 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया प्लांट गुजरात में इनॉग्रेट करने का काम किया था। ठीक है, नैनो यूरिया इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम नैनो यूरिया करता है। सॉइल हेल्थ के लिए अच्छा होता है और इसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी भी होती है।
नेक्स्ट है सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, लेकिन इसकी थीम आपको बताना रह गई थी, तो हम थीम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं 36 सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें पार्टनर नेशन कौन है, SCO है, SCO के सारे देश पार्टनर नेशन है। वहीं थीम स्टेट कौन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, ठीक है। तो 36वें नंबर का सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले की शुरुआत हो चुकी है 3 फरवरी से, ये कंटिन्यू रहेगा 19 फरवरी तक, ठीक है। इसको वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ की जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, और यहाँ पे जो थीम स्टेट है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन है। वहीं अगर आप पार्टनर नेशन के बारे में बात करते हैं तो SCO पार्टनर नेशन है। नेक्स्ट है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव कौन है, यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज जो संभालते हैं वो भूपेंद्र यादव जी हैं। इन्होंने गोवा में सेफ वेटलैंड कैंपेन की शुरुआत की है वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए। तो भूपेंद्र यादव ने संरक्षण के लिए वेटलैंड बचाव अभियान की शुरुआत की है गोवा में, कहाँ पे की है, गोवा में। और इस पूरे दौरान इन्होंने गोवा का जो पहला रामसर साइट है, गोवा की पहली रामसर साइट कौन सी है, नंदा लेक है, तो नंदा लेक में विजिट किया, वहाँ पे फ्लैग को होस्ट करने का काम भी किया था। इसके अलावा इनके द्वारा 2 पब्लिकेशन या 2 बुक को भी पब्लिश किया गया है। एक है इंडिया 75 अमृत धरोहर, क्योंकि हम सभी को पता है भारत में 75 रामसर साइट हो गई हैं, तो इंडिया 75 अमृत धरोहर, इंडियाज रामसर साइट फैक्ट बुक, ये पहला बुक है। दूसरा है मैनेजिंग क्लाइमेट रिस्क इन द वेटलैंड अ प्रैक्टिशनर गाइड, तो ये दोनों पब्लिश भी की हैं बुक को, ठीक है। नेक्स्ट है केरला टू सेटअप ग्रीन हाइड्रोजन हब ओवर नेक्स्ट 2 ईयर। तो केरला ने डिसाइड किया है कि वो केरला राज्य को आने वाले 2 सालों में हाइड्रोजन हब बना देगा और ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के मामले में सबसे आगे हो जाएगा। इसके लिए कोच्चि और तिरुवनंतपुरम को चुना गया है ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने के लिए। द केरला गवर्नमेंट प्रेजेंटेड अनाउंस अ रोड मैप फॉर सेटिंग अप ग्रीन हाइड्रोजन हब इन कोच्चि एंड तिरुवनंतपुरम, जिसके लिए 200 करोड़ रुपये का बजट भी रखा गया है फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को सेटअप करना है, जिससे 60 टन ग्रीन हाइड्रोजन को पर डे प्रोड्यूस किया जा सके, ठीक है। 60 टन ग्रीन हाइड्रोजन को पर डे प्रोड्यूस करने का इनका टारगेट है। बेसिकली वाटर मतलब ग्रीन हाइड्रोजन का जो अपन प्रोडक्शन करते हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के ज़रिए किया जाता है। केरला के फाइनेंस मिनिस्टर KN बाला गोपाल हैं। नेक्स्ट है इंडियन रेलवे इंट्रोड्यूस गार्वी गुजरात टूर। तो गार्वी गुजरात टूर के लिए एक नई स्पेशल ट्रेन चलाने की बात इंडियन रेलवे ने की है अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम। इंडियन रेलवे हैज़ इंट्रोड्यूस भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम, जिसका नाम है गार्वी गुजरात। और ये जो टूर है वो शुरू हो जाएगा 28 फरवरी से। दिल्ली स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी और ये क्या करेगा, गार्वी गुजरात, गुजरात के जितने भी हेरिटेज प्लेसेस हैं, इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, है ना, उन सबको यहाँ पे कवर किया जाएगा, जिसमें आप देखेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी होगा, आपका सोमनाथ टेम्पल भी होगा, मुढ़ेरा जो आपका सन टेम्पल है वो भी इंक्लूड यहाँ पर किया जाएगा। और एक और अच्छी बात की है, यहाँ पर IRCTC ने EMI पेमेंट ऑप्शन भी कस्टमर को दिए हैं। अगर कोई कस्टमर ट्रेवल करना चाहता है तो भी EMI ऑप्शन के ज़रिए भी इस ट्रेन का फ़ायदा उठा सकता है। नेक्स्ट और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है डिजिटल रुपी। मैंने कुछ समय पहले बताया था कि RBI ने भारत की पहले डिजिटल रुपी को लॉन्च किया है। तो डिजिटल रुपी में लेकिन अभी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे थे, लेकिन रिलायंस रिटेल पहली कंपनी बन गई है जो डिजिटल रुपी में पेमेंट एक्सेप्ट करने लगी है। हालांकि अभी मुंबई की केवल एक ही स्टोर में उन्होंने पायलट बेसिस पे इसकी शुरुआत की है, लेकिन फिर भी हमारे लिए न्यूज़ बन जाती है कि डिजिटल रुपी में पेमेंट लेने वाली देश की पहली कंपनी कौन सी बन गई है, रिलायंस रिटेल बन गई है, ठीक है। रिलायंस रिटेल हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन रिटेलर टू इंट्रोड्यूस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ऑल्सो नोन एज डिजिटल रुपी, ठीक है। मुंबई के एक स्टोर में इसकी शुरुआत पायलट बेसिस पे हुई है, जिसके लिए रिलायंस रिटेल ने ICICI बैंक कोटक महिंद्रा बैंक के साथ MOU भी साइन किया है। हम सभी को पता है 1 दिसंबर 2022 को RBI के गवर्नर के द्वारा डिजिटल रुपी को इंट्रोड्यूस किया गया था और कहा गया था इनिशियल लेवल पे मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में डिजिटल रुपी को हम लॉन्च कर रहे हैं। नेक्स्ट है बांग्लादेश विल रिसीव इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर प्लांट इन झारखंड। तो यहाँ पे मार्च 2023 से
झारखंड का जो पावर प्लांट है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाएगा कहाँ पे, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश के मिनिस्टर के द्वारा रिसेंटली इन्फॉर्म किया है कि बांग्लादेश इलेक्ट्रिसिटी को रिसीव करेगा कहाँ से, गोदा पावर प्लांट झारखंड से, फ्रॉम मार्च 2023। ठीक है, 750 मेगावाट ऑफ द पावर विल कम फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ऑफ द अडानी पावर प्लांट इन गोदा। ठीक है ना, दो प्लांट है यहाँ पे बेसिकली गोदा झारखंड में, 750 मेगावाट के दो प्लांट हैं। तो एक प्लांट से पहले इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाएगा फर्स्ट फेज में, और फिर सेकंड फेज में दूसरे प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाएगा सेकंड यूनिट से। ठीक है, अडानी ग्रुप का ये पावर प्लांट है। अब ये न्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली 73rd फाउंडेशन डे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का सेलिब्रेट किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो 73rd नंबर का फाउंडेशन डे था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, उसमें चीफ जस्टिस या चीफ गेस्ट कौन से देश के चीफ जस्टिस थे, ऐसा आप बोल सकते हैं, चीफ गेस्ट कौन था। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के मुख्य न्यायाधीश थे, तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर। आंसर क्या हो जाएगा, सिंगापुर के CJI जो है वो हमारे चीफ गेस्ट थे, जिनका नाम है सुनादरेश मेनन। ठीक है, सुनादरेश मेनन जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सिंगापुर है, और ये चीफ गेस्ट है 73rd नंबर के फाउंडेशन डे के दिन। और कब मनाया गया आप देख सकते हैं, ऑन जनवरी 28, 1950, 2 days आफ्टर इंडिया बिकेम द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज सेटअप। तो यहाँ पे आपको इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट है, एक रेस चलती रहती है, हम सभी को पता है कि पहले जुपिटर जो था, मतलब बृहस्पति ग्रह, उसके सबसे अधिक सैटेलाइट थे, और हमारा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है गैनीमीड, वो भी जुपिटर का था। फिर आपने देखा कि लास्ट ईयर कुछ डिस्कवरीज हुई थी और सैटर्न आगे निकल गया था, सैटर्न के पास सबसे अधिक सैटेलाइट्स हो गए थे, लेकिन वापस से नई डिस्कवरी हुई है और 12 नए चंद्रमा मिले हैं, 12 नए मून डिस्कवर किए गए हैं, और ये सारे के सारे जो मून हैं वो जुपिटर के हैं। मतलब जुपिटर के पास अब नंबर ऑफ सैटेलाइट कितनी हो गई है, 92। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे अधिक सैटेलाइट या उपग्रह किसके हैं, तो आंसर हो जाएगा जुपिटर के। कितने हैं, 92 हैं, वहीं सैटर्न के 83 हैं, और हमारे अर्थ का केवल एक ही सैटेलाइट है, विच इज़ मून। ठीक है, इतनी चीज़ें। तो रिसेंटली स्कॉट शेफर्ड एस्ट्रोनॉमर है वॉशिंगटन के, उनके द्वारा 12 नए चंद्रमा को, 12 नए मून की डिस्कवरी की है, जिसको MPC माइनर प्लैनेट सेंटर के द्वारा पब्लिश किया गया, जानकारी दी गई। और जुपिटर अब रेस में आगे निकल गया है, जुपिटर के पास सबसे अधिक मून है, विच इज़ 92, और जबकि सैटर्न के पास 83 मून है अभी प्रेजेंट में। नेक्स्ट और आज की लास्ट न्यूज़ पे हम चर्चा करते हैं, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, इसके बारे में शायद आप लोग ने सुना होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा शांति निकेतन में इसको सेटअप करने का काम किया गया था। तो यूनेस्को बहुत जल्दी विश्व भारती यूनिवर्सिटी को पहली फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड शामिल करने वाला है, इसको यूनेस्को का टैग या सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी टू गेट यूनेस्को हेरिटेज टैग, ठीक है, और ये वर्ल्ड की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी बन जाएगी, जो कि शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। बेसिकली ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है, और ये हमारे देश के डिफरेंट आर्ट फॉर्म को प्रमोट करने का काम, रिसर्च के लिए बढ़ावा देने का काम करती है। इस यूनिवर्सिटी को 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा स्थापित किया गया था, फाउंडेशन रखा गया था, इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम पे ही इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा। बाद में इसे विश्व भारती सोसाइटी वॉज रजिस्टर एज एन ऑर्गेनाइजेशन इन मे 1922। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस इंस्टीट्यूट को सेंट्रल एक्ट के अंतर्गत सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया गया था 1951 में। आप सभी को बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी के पहले जो वाइस चांसलर थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही थे, उसके बाद उनके बेटे आप देखेंगे, साथ ही साथ इनके बेटे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बेटे भी वाइस चांसलर थे। सेकेंड नंबर के वाइस चांसलर जो थे वो अमृत सेन, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं और नोबल प्राइज़ इनको भी मिल चुका है, इनके ग्रैंडफादर इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं। वाइस चांसलर को अपॉइंट करने का काम यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब ये जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, ये अपने अलग अलग कल्चरल फेस्टिवल के लिए बहुत अधिक फेमस है। ये हर साल पूछ मेला और वसंत उत्सव का आयोजन करती है, जिसमें अक्रॉस द कंट्री अलग अलग आर्टिशन जो है वो यहाँ पर आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। अब कुछ शॉर्ट न्यूज़ है जिनको शॉर्ट में जानना आपके लिए ज़रूरी है। देखिएगा, फोनिक कन्वर्सेशन से, फ़ोन पे बात करके इंडिया, फ्रांस और UAE ने
एक ट्राइलेटरल कॉपरेशन इनिशिएटिव साइन किया है जो कि काम करेगा डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में। तो इंडिया, फ्रांस और यूएई तीनों मिलकर डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में काम करने वाले हैं। एनटीपीसी G20 इंटरनेशनल सेमिनार ऑन कार्बन कैप्चर यूटिलेशन एंड द स्टोरेज पे मीटिंग को होस्ट कर रहा है 5 फरवरी को बेंगलुरु में। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं, इन्होंने सरस आजीविका मेला की शुरुआत की है। रिसेंटली 4 फरवरी को अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका का 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया, जिसके लिए थीम मैंने आपको पहले भी डिस्कस की थी, एक बार फिर से बता देती हूँ, नमो नमो मथा अ स्टेप टुवर्ड्स अ सेंचुरी। नेक्स्ट है, इस न्यूज़ को हमने कल डिस्कस किया था, जो आपका एनर्जी इंडिया वीक है उसमें बेंगलुरु में ये अनाउंसमेंट की गई है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, और HAL हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड इन थुम्माकुरु कर्नाटका में, और जिसमें यहाँ पर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को मैन्युफैक्चर करने का काम किया जाएगा। निसार हम सभी को पता है नासा और इसरो का जॉइंट मिशन है जिसको 2024 तक लॉन्च किया जाएगा। पंजाब कैबिनेट को चेयर कर रहे थे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, और उन्होंने न्यू इंडस्ट्रियल और इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी को अडॉप्ट किया है, इसको अप्रूवल दिया है। वहीं IIT मद्रास को 242 करोड़ रुपीज़ मिले हैं फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, जिससे वो लैब ग्राउंड डायमंड पर रिसर्च कर सके। ठीक है, तो IIT मद्रास को याद रखेंगे, 242 करोड़ रुपये 5 सालों के लिए दिए गए हैं लैब ग्राउंड डायमंड पर रिसर्च वर्क करने के लिए। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे, इनमें से भारत कौन से संगठन का हिस्सा नहीं है? इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ग्रुप? G20, G7, शार्क, ब्रिक्स एंड बिम्स्टेक। जो भी आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में बताइएगा, सही आंसर भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर एंड बाय बाय।